हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको बैक ओपन ब्लाउज की कटिंग करना सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। और दोस्तों जो हमारी गले गिरने की शिकायत होती है उसके बारे में भी दोस्तों छोटी सी टिप्स बताइए, जिसकी मदद से दोस्तों गले गिरने की शिकायत खत्म हो जाएगी जड़ से। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को लॉक कर देना, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। इसी तरह सिलाई से रिलेटेड वीडियो दोस्तों हमारे चैनल पर आती रहती है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारी नई वीडियो आपके लिए मिलती रहे। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। सबसे पहले दोस्तों हम आपको ब्लाउज का नाप समझाएंगे, फिर उसके बाद आपको ब्लाउज की कटिंग करना सिखाएंगे। जैसे कि दोस्तों ये हमने बॉडी का नाप ले रखा है, लंबाई हमारी 13 इंच है, चेस्ट हमारी 36 इंच है, कमर हमारी 28 इंच है, शोल्डर 14 इंच है, फ्रंट नेक 7 इंच है, बैक नेक 11 इंच है, बाजू की लंबाई 10 इंच है, बाजू की गुलाई 10 इंच है, बाजू बाइसेप्स हमने नाप लिया है बॉडी का 11 इंच, 2 इंच की लूजिंग दी है, 13 इंच हमारा तैयार आया है। अब दोस्तों बाजू बाइसेप्स जो हमारा तैयार है उसी हिसाब से आपको कटिंग करनी है बाजू की। प्लेट लेंथ दोस्तों हमारी 10 इंच है, ये दोस्तों हमने नाप ले रखा है 36, 36 इंच साइज के हिसाब से दोस्तों आपको कटिंग सिखाएंगे। अगर आपका चेस्ट 36 इंच है, बैक गला 11 इंच है, तो दोस्तों इसमें आपको चेस्ट में कोई लूजिंग नहीं देनी है। जितना आपका बॉडी का नाप चेस्ट में आए, यानी कि बॉडी का नाप ले लेने के बाद चेस्ट जितनी भी तैयार आए उसी हिसाब से ही आपको कटिंग करनी है। इसमें हम कोई लूजिंग वगैरह नहीं देंगे अगर आपका बैक गला 11 है तो। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्त, हमने ये अस्तर बिछा रखा है, अस्तर आपको आपकी तरफ ओपन साइड है, मेरी तरफ बंद साइड है। अब दोस्तों हम आपको अस्तर नाप के दिखा देते हैं, जैसे इंच टेप इस तरीके से रखेंगे दोस्तों, और अस्तर हमारा 40 इंच है, तो 40 इंच का होता है दोस्तों 1 मीटर, ठीक है। 40 इंच का हमारा एक मीटर होता है, और हमने ये अस्तर जो बिछा रखा आपकी तरफ ओपन साइड बिछा रखा है और मेरी तरफ बंद साइड है। स्केल की मदद से नीचे से दोस्तों तुरपाई का मार्जिन का निशान लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये हमने निशान लगा दिया, अब क्या करना है दोस्तों, आपको नाप लेना है। जैसे हमारा नाप है, सबसे पहले दोस्तों नाप में हम लंबाई देखेंगे, लंबाई हमारी 13 इंच है, तो दोस्तों लंबाई में हम 1 इंच प्लस करेंगे, जितनी भी आपकी लंबाई हो उसमें दोस्तों आपको प्लस करना है 1 इंच। जैसे हमारी 13 इंच है तो 1 इंच प्लस कर देंगे, 14 इंच हो जाएगी, 14 इंच इस तरीके से लंबाई का निशान लगा देंगे, निशान पर लंबाई रखते हुए, यानी कि 14 इंच रखते हुए इस तरीके से लंबाई का निशान लगा दिया। अब दोस्तों आर्मोर लेंथ का निशान लगाएंगे, आर्मोर लेंथ तो दोस्तों इसमें लगाएंगे, जैसे हमारी 36 इंच है, बैक गला हमारा 11 इंच है, तो इसमें आर्मोर लेंथ लगाएंगे 6.25 इंच पे, ठीक है। इस तरीके से 6.25 इंच पे आपको आर्मोर लेंथ का निशान लगाना है, और डॉट हमारी दोस्तों 10 इंच की है, तो 10 इंच में आधा इंच प्लस करेंगे, 10.5 इंच पे निशान लगा देंगे, क्योंकि दोस्तों हमारा आधा इंच कंधे में दबाव जाएगा। इस तरीके से इंची टेप आगे बढ़ाते हुए फिनिशिंग से जो हमारे निशान लगाए थे उसी हिसाब से आपको निशान लगाने हैं, और स्केल की मदद से सारे निशान सीधे कर देने हैं। इस तरीके से दोस्तों मैंने सारे निशान सीधे कर दिए, ये हमारे डॉट का निशान हो गया, आर्मोर लेंथ का निशान हो गया, ये हमारे शोल्डर का निशान हो गया। अब दोस्तों जहाँ हमारे डॉट का निशान है, यहाँ पर हमारी जो गैपिंग होती है प्लेट की वो कितनी रखेंगे, जैसे कि दोस्तों हमारी चेस्ट है 36 इंच को 10 से भागा कर दिया, तो हमारी डॉट की गैपिंग निकल के आ गई है। इसमें दोस्तों हमारी गैपिंग निकल के आई 3.6। इस तरीके से यहाँ से जितनी भी आपकी गैपिंग निकल के आए किसी भी साइज में वो आप लगा सकते हैं। इस तरीके से हमने निशान लगा दिया, अब क्या करना है दोस्तों, 2.25 इंच इस तरीके से निशान लगाना है, आधा इंच ऊपर उठा के, और 2.25 इंच आगे इस तरीके से निशान लगाना है। अब दोस्तों जो हमने सेंटर का प्लेट का निशान लगाया वो इस तरीके से लगा देना है नीचे कमर पे, और कमर जितनी है आपकी उतना निशान लगाना है, 1 इंच आगे बढ़ाकर इस तरीके से निशान लगा देना है। अब दोस्तों आर्मोर लेंथ का निशान है, इस पर दोस्तों हमारी चेस्ट का निशान लगेगा, जितनी भी आपकी चेस्ट हो उतना आप निशान लगा देंगे। यहाँ पर दोस्तों चेस्ट पर हमारा फ्रंट क्रॉस का निशान लगता है, तो इस साइज में दोस्तों हम लगाएंगे 5.5 इंच पर फ्रंट क्रॉस का निशान, 1.25 इंच आगे बढ़ाकर इस तरीके से निशान लगा देंगे। और दोस्तों ये हमारे सारे निशान लग गए, अब इस तरीके से दोस्तों ये निशान सीधा कर देंगे, मार्जिन देते हुए इस तरीके से निशान सीधा कर देंगे। जो दोस्तों मार्जिन देते हैं वो 2 से 2.5 इंच तक का आपको मार्जिन देना है। प्लेट का निशान इस तरीके से क्रॉस में सीधा कर देंगे, और सेंटर का निशान इस तरीके से सीधा कर देंगे, और ये प्लेट दोस्तों रखेंगे हम सीधी, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों फ्रंट क्रॉस का जो निशान लगाया था वहाँ पर भी इस तरीके से डॉट का निशान लगा देंगे, और दोस्तों डॉट के इस तरीके से चारों एक जैसे निशान लगा देंगे। अब दोस्तों ये हमारे सारे निशान लगे, अब शोल्डर की बारी है। शोल्डर दोस्तों हम इस साइज में रखेंगे, जैसे हमारे बैक गला है 11 इंच, तो इसमें दोस्तों शोल्डर रखेंगे 5.5 इंच या 5.25 इंच आप रख सकते हैं। तो दोस्तों मैं लगाऊंगा 5.5 इंच पे निशान, और दोस्तों आपको गले ब्रोड का निशान लगाना है 2.25 इंच पे, क्योंकि दोस्तों हमारा बैक से 11 इंच गला है, तो इसलिए गले ब्रोड का निशान कम लगाएंगे। इस तरीके से दोस्तों हम निशान लगा लेंगे फिनिशिंग से। अब ये हम निशान सीधे कर देंगे, पहले फ्रंट क्रॉस से, फिर उसके बाद बैक क्रॉस से, इस तरीके से आपको निशान सीधा करना है। और यहाँ पर दोस्तों पहले फ्रंट क्रॉस में आर्मोल की शेप देंगे, फिर उसके बाद बैक क्रॉस में आर्मोल की शेप देंगे। इस तरीके से दोस्तों हमारे निशान लग गए, अब क्या करना दोस्तों, जितना भी आपका गला हो, गले का निशान लगाएंगे, जितना भी आपका गला हो उसमें आधा इंच प्लस करने के बाद आपको गले का निशान लगा देना है। यहाँ पर दोस्तों 3.75 इंच पे इस तरीके से गले की ब्रोड निशान लगाना है, और यहाँ से दोस्तों इस तरीके से सीधा करते हुए आपको गले का पॉइंट बना देना है, जैसे मैं स्वीट टाइट का पॉइंट बनाते हुए इसे कटिंग कर दूंगा। जैसे कि दोस्तों ये हमारे निशान लग गए सारे, अब यहाँ पर दोस्तों आर्मोल
और शोल्डर किस तरीके से निकालते हैं वो दोस्तों सारा कुछ हमने एक वीडियो बना रखी है, वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप सीख सकते हैं कि किस साइज में कितना आर्म होल और शोल्डर निकालना चाहिए। ये दोस्तों हमारे सारे निशान लग गए हैं, अब किस तरीके से दोस्तों इसे कटिंग करेंगे, नॉर्मल जैसे कटिंग करते हैं उसी तरीके से ही आपको कटिंग करना है। सबसे पहले दोस्तों गले से कटिंग करेंगे, अगर आप गले में बुकरम लगाएंगे, बुकरम का गला बनाएंगे तो आप गला कटिंग ना करें। इस तरीके से हम गला फिनिशिंग से कटिंग कर देंगे और शोल्डर से इस तरीके से कटिंग कर देंगे। अब क्या करना है यहाँ पर दोस्तों समझने वाली बात है कि सबसे पहले दोस्तों हम बैक क्रॉस का जो आर्म होल का शेप दिया है उस पर ही कटिंग करेंगे, ठीक है, फ्रंट क्रॉस पे आप कटिंग ना करें, इस तरीके से मार्जिन पे ही कटिंग कर देंगे फिनिशिंग से। ये दोस्तों हमारा फ्रंट पल्ला कटिंग हो गया, अब आपको बैक पल्ला कटिंग करना सिखाएंगे। जैसे आपकी तरफ ये ओपन साइड बिछा हुआ है, अब दोस्तों अपनी तरफ मैं बिछा लूंगा ओपन साइड और आपकी तरफ बिछा दूंगा वन साइड। इस तरीके से आपको पल्ला पलट के अच्छे से फिनिशिंग से बिछाना है और इसके ऊपर दोस्तों फ्रंट पल्ला आपको बिछाना है फिनिशिंग से। और दोस्तों हुक आई का मार्जिन आपको निकालना है, ठीक है, बैक पल्ले में हुक आई का मार्जिन का आपको इस तरीके से आधा इंच निकालते हुए आपको एक निशान लगाना है, उसी के बराबर से ही फ्रंट पल्ला बिछा देंगे। अब दोस्तों क्या करना है, इस कैंची की मदद से सेंटर पे इस तरीके से प्लेट पे हम निशान लगा देंगे। यहाँ से दोस्तों जहाँ हमारी लंबाई का निशान लगा है उससे आधा इंच ऊपर उठा के इस तरीके से निशान लगा देना है। अब दोस्तों गले के बराबर से ही गले ब्रोड का भी निशान लगा लेंगे फ्रंट पल्ले के बराबर से। अब दोस्तों फ्रंट पल्ले के बराबर से ही करते हुए आपको एकदम फिनिशिंग से कटिंग करना है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर दोस्तों सिलाई से रिलेटेड वीडियो और भी देखनी हो तो दोस्तों हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमारा फ्रंट पल्ला साइड में हटा देंगे बैक पल्ला कटिंग करने के बाद, और दोस्तों जो फ्रंट पल्ले के आर्म होल की शेप दी है उसको कटिंग कर देंगे फिनिशिंग से। इस तरीके से दोस्तों हमारा फ्रंट पल्ला ये कटिंग हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, आपको बैक पल्ले में जो हमने कैंची की मदद से निशान उठाया था उसको एकदम इस तरीके से सीधा कर देंगे। फिर दोस्तों आपको निशान लगा देना डॉट का, और यहाँ पर दोस्तों लंबाई का जो निशान लगाया था वो भी सीधा कर देंगे, और लंबाई का मार्जिन देते हुए तुरपाई का उसको फिनिशिंग से कटिंग कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा बैक पल्ला कटिंग हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हमारा बैक पल्ला कटिंग हो गया। अब आपको गले का निशान लगाना है, जैसे कि दोस्तों जितनी भी आपकी लंबाई हो उसमें आधा इंच प्लस करने के बाद आपको निशान लगाना है। जैसे हमारी 11 इंच है तो 11.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा देंगे। यहाँ से 3-3.5 इंच पे इस तरीके से ब्रोड रखना है और ये निशान सीधा कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों कोई सा भी पॉइंटेड गला बना सकते हैं आप। मैं दोस्तों गोल गला बनाकर पॉइंट बनाकर इसे कटिंग कर दूंगा। अगर दोस्तों आप बुकरम पे गला बनाते हैं तो गला कटिंग ना करें, बुकरम पे ही गला कटिंग करें उसके बाद गला बनाएं, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों हमारा बैक पल्ला कटिंग हो जाएगा। अब दोस्तों ये हमारा फ्रंट पल्ला और बैक पल्ला कटिंग हो गया। अगर दोस्तों आपका गला गिरता है तो ये ट्रिक अपनाएं, नहीं गिरेगा, ठीक है। छोटी सी टिप्स है, वो देख लें ध्यान से। जैसे कि दोस्तों नॉर्मली हम आधा इंच मार्जिन लेते हुए कंधी ज्वाइंट कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। यहाँ से दोस्तों गले की तरफ आपको 0.25 इंच डाउन करना है, ठीक है। गले की तरफ 0.25 इंच इस तरीके से डाउन करना है और कंधी ज्वाइंट करनी है। आर्म होल की तरफ दोस्तों आपको आधा इंच ही मार्जिन रखना है, लेकिन गले की तरफ आपको 0.25 इंच मार्जिन देते हुए कंधी डाउन करेंगे, ठीक है, गले की तरफ। और आपको सिलाई लगा देनी है, कंधी जोड़ देनी है, आपकी गले गिरने की शिकायत जड़ से खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा कटिंग हो गया फ्रंट पल्ला और बैक पल्ला। अब आपको बाजू कटिंग करना सिखाएंगे। जैसे नॉर्मली इस तरीके से डबल फोल्ड कर देंगे। अब दोस्तों आपको बाजू बाइसेप्स से देखना है, जितना आपका तैयार हो उस तरीके से दोस्तों इसे नापना है, ठीक है। तो हमारा बाजू बाइसेप्स बन जाएगा और टाइट लूज का भी मार्जिन बच जाएगा। अब क्या करना दोस्तों, इस तरीके से नीचे हम तुरपाई का मार्जिन का निशान लगाएंगे, नीचे जो आड़ा टेढ़ा कपड़ा है वो कटिंग हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कटिंग करके हम हटा देंगे। ये हमने तुरपाई का मार्जिन लगा दिया। जितनी भी आपकी बाजू हो उसमें आधा इंच प्लस करने के बाद दोस्तों आपको एक निशान लगाना है। यहाँ पर दोस्तों बाजू बाइसेप्स का निशान लगाना है 3.5 इंच पे, और दोस्तों इस निशान को सीधा कर देंगे एकदम। अब क्या करना दोस्तों, बाजू आर्म होल लेंथ का जो हमने निशान लगाया था बाजू बाइसेप्स का, उसको इस तरीके से रख देंगे जितना भी हो आपका, ठीक है, निशान लगा देंगे। यहाँ पर हम मोरी का निशान लगा देंगे। सेफ हंटी की मदद से इस तरीके से सेप देते हुए आपको निशान लगा देना है। टाइट लूज का मार्जिन भी इस तरीके से छोड़ना है, और मुल्क की शेप देते हुए फिनिशिंग से आपको कटिंग कर देना है। जो निशान लगाए उसी निशान पर ही दोस्तों आपको फिनिशिंग से कटिंग करना है। इस तरीके से दोस्तों हमारी बाजू कटिंग हो जाएगी। यहाँ से भी दोस्तों इस तरीके से फिनिशिंग से कटिंग कर देंगे मार्जिन पर जो हमने निशान लगाया था, और नीचे भी दोस्तों हमारा आड़ा टेढ़ा कपड़ा है तो इसको भी फिनिशिंग से कटिंग कर देंगे। अब क्या करना दोस्तों, यहाँ पर एक कुटका लगा देंगे। कुटका लगाने के बाद दोस्तों नीचे हमने तुरपाई का टाइट लूज का मार्जिन दे रखा, तुरपाई का मार्जिन दे रखा, वहाँ पर भी कुटका लगा देंगे इस तरीके से फिनिशिंग से। और दोस्तों यहाँ ऊपर भी कुटका इस तरीके से लगा देंगे। अब बाजू को करेंगे ओपन। ये दोस्तों हमारी डबल में है, ठीक है, इस तरीके से डबल में। यहाँ से 0.5 इंच इस तरीके से मार्जिन देते हो आपको निशान लगाना। यहाँ से दोस्तों कम रखेंगे और बीच की साइड इस तरीके से 0.5 इंच रखेंगे और इसे कर देंगे कटिंग फिनिशिंग से। इस तरीके से हमारी बाजू कटिंग हो जाएगी फिनिशिंग से। ये दोस्तों हमारी बाजू कटिंग हो गई, ये फ्रंट पल्ला और बैक पल्ला कटिंग हो गया है। ये हमारा खर्चा वगैरह बचा हुआ है, इसमें दोस्तों गले वगैरह बनाने में आएगा जो हमारा अस्तर बचा हुआ है। इसी नाप से ही दोस्तों हमने आपको कटिंग करना सिखा दिया है। अगर आपकी चेस्ट 36 साइज है और बैक गला 11 इंच है तो दोस्तों इसी हिसाब से ही आप कटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर दोस्तों आपको बॉडी का नाप लेना नहीं आता है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप सीख के लेना बॉडी का नाप लेना। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को अलाउ कर देना, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।